₹250 கம்மியா இருக்கு மாப்ள உங்க அப்பாவோட லட்சியத்தை நிறைவேற்றிட மிகப்பெரிய பொறுப்புங்க தக்ஷின் ஸ்டார் விக்ரம் கி பஹு பாக்ஷி ஆக்சன் த்ரில்லர் மகான் 10 फरवरी को प्राइम वीडियो पर आ चुकी है। फिल्म को तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज किया गया है। महान का निर्देशन कार्तिक सुब्बाराज ने किया है, जो अब से पहले जिगर ठंडा, पेट्टा और फिल्में बना चुके हैं। फिल्म में ध्रुव, विक्रम, वाणी भोजन, बॉबी सिम्हा, सिमरन, सनंत और दीपक परमेश भी मुख्य भूमिका में है। आपको बता दें कि साउथ स्टार विक्रम को आखिरी बार 2019 की थ्रिलर फिल्म कदारम कोंडन ने देखा गया था, जिसे कमल हासन द्वारा निर्मित किया गया था। करेंगे फिल्म के सभी पहलुओं पर बात। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका परिवार उसे तब छोड़ देता है जब वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तलाश में वैचारिक जीवन के मार्ग से भटक जाता है। हालांकि जैसे ही उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं का एहसास होता है, वो अपने जीवन में अपने बेटे की उपस्थिति को भी याद करता है। अरबपति बनने के अपने सपने को पूरा करने के बाद क्या जीवन उसे पिता बनने का दूसरा मौका देता है? यही फिल्म का मुख्य आधार है। इस रोमांचकारी एक्शन से भरपूर यात्रा में प्रोटैगनिस्ट का जीवन घटनाओं की एक अप्रत्याशित श्रृंखला से कैसे गुजरता है, ये सब फिल्म बेहतर ढंग से दिखाने की कोशिश करती है। गांधी महान के रूप में फिल्म में विक्रम है और दादा के रूप में ध्रुव विक्रम, सत्यवान के किरदार में बॉबी सिम्हा और नाची के रोल में सिमरन है, मंगल के रूप में वाणी भोजन, रॉकी के रोल में सनंत है। इसके अलावा फिल्म में वेट्टई मुथु कुमार ने ज्ञानम का कैरेक्टर किया है और गांधी महान के पिता के रूप में आदुकलम नरेंद्र दिखाई देते हैं। गजराज राजवेली के रूप में अपने अभिनय की छाप छोड़ते हैं। फिल्म देखने पर आपको शुरुआत में ऐसा लगता है कि फिल्म का हीरो गांधी के अनुयायियों के परिवार से आता है, क्योंकि हीरो का नाम गांधी महान रखा गया है। और फिल्म में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे उनके परिवार ने उनके पैतृक गांव में शराब की बिक्री को समाप्त करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध का सामना किया। गांधी महान को उनके परिवार द्वारा गांधीवादी मान्यताओं को अपनाने के लिए मजबूर किया गया है। उनके पिता इतने कठोर लगते हैं कि वो अपने बेटे को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि वो हर बोधगम्य अर्थों में महात्मा द्वारा उपदेशित जीवन नहीं जी रहा है। हम पिता को एक युवा गांधी महान के कंधों को थामे हुए और एक भयभीत नौजवान से एक महान यानी महात्मा का जीवन जीने का वादा करते हुए देख सकते हैं। शायद अपने पिता को निराश करने का डर गांधी को अपने वास्तविक स्व को बंद करने और एक अच्छे इंसान होने का दिखावा करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन शुरुआत से ही फिल्म आपको बांध लेती है और हीरो अपने सच्चे स्व होने का साहस जुटा लेता है और वो एक ऐसे सिंडिकेट को अपने नियंत्रण में लेता है जो राज्य के किसी भी हिस्से में शराब की बिक्री की बात करता है। ऐसा लगता है कि वो सभी बूटलेगर्स का राजा बनने की महत्वाकांक्षा को पोषित करता है, इतना कि उसकी बातें कानून बन जाती है। वो उस अवैध व्यवसाय का पोषण और रक्षा करता है जिसका उसके परिवार ने इतना पुरजोर विरोध किया था। उन्हें स्पष्ट रूप से कुछ गंभीर अनसुलझे बचपन के मुद्दे प्रतीत होते हैं। आपको बता दें कि विक्रम इस फिल्म में अपने तत्व में एक गहरे संघर्षशील व्यक्ति के रूप में आपके सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने उस अराजकता को गले लगा लिया है जो उनके चरित्र का हिस्सा है, जो कई रंगों में लगती है। क्या वो सभ्य और शांति प्रिय व्यक्ति है या फिर एक क्रूर गैंगस्टर या एक असफल पिता? असली गांधी महान की पहचान क्या है? ऐसा लगता है कि कार्तिक सुब्बाराज ने एक ऐसा चरित्र बनाया है जो विक्रम को अपने अनोखे अंदाज में धैर्य नफरत को चैनल करने देता है। फिल्म काफी थ्रिल सुर सस्पेंस पैदा करती है। साउथ की एडिटिंग और एक्शन फिल्म को और भी रोचक बना देता है। फिल्म महान के मुख्य सब्जेक्ट में से एक पिता और पुत्रों के बीच अशांत संबंध प्रतीत होता है। गांधी महान का बचपन उनके पिता के महात्मा गांधी के मानकों पर चलने में उनके उच्च व्यवहार से प्रभावित हो सकता है और वो एक विद्रोही और कट्टर अपराधी निकला। हमेशा और बिना सोचे समझे वो अपने बचपन के आघात को ध्रुव द्वारा निभाए गए अपने बेटे दादा को दे सकता है। गांधी महान के रूप में फिल्म में विक्रम है, जिन्होंने हमेशा की तरह बेहतर अदाकारी की है, और दादा के रूप में ध्रुव विक्रम बेहद उम्दा लगे हैं। सत्यवान के किरदार में बॉबी सिम्हा और नाची के रोल में सिमरन ने भी अपने किरदारों में जीने की पूरी कोशिश की है। मंगई के रूप में वाणी भोजन ने उतना अच्छे से किया जितना स्पेस उन्हें मिला,
और गांधी महान के पिता के रूप में आदुकलम नरेन ने किरदार को काफी रोचक और गंभीरता से अदा किया है। अगर बात स्क्रिप्ट की करें तो बीच में स्क्रिप्ट थोड़ी धीमी है, लेकिन एडिटिंग और एक्शन के कारण शायद फिल्म की गति उतनी पकड़ में नहीं आती। संतोष नारायण के म्यूजिक ने फिल्म को उबाऊ नहीं होने दिया और एक बार फिल्म आराम से देखने लायक भी है। हिंदी में फिल्म आती तो शायद कमाई कुछ ज्यादा कर लेती, लेकिन साउथ भाषी लोगों को भी फिल्म काफी पसंद आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।